बी ए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को कट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। उसी साल वालिद भी चल बसे और प्रकाश जिंदगी के जो शीरी ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिदा लाओदे पर थे। उनकी वसातत से चंद्र प्रकाश कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, मगर वो सब मंसूबे धरे ही रह गए और अब गुजर औकात के लिए सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन ही रह गई है। वालिद ने कोई जायदाद न छोड़ी, उल्टा भूख का बोझ और सर पर लाद दिया। और बीवी भी मिली तो तालीम याफ्ता शौकीन जबान की तर्रार, जिसे मोटा खाने और मोटे पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्माती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर उनके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से मिला हुआ था, पुख्ता हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से आरास्ता। ऐसा मकान 20 रुपये माहवार से कम में न मिल सकता था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा कुंजेहा, काम चोर, अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना ही लड़का समझते थे, जैसे वो घर का ही आदमी था और घर के हर एक मुआ मले में उससे मशविरा लिया जाता था। शाम का वक्त था, प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र को पढ़ाकर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठाकुराइन ने कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, वो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीर का ब्याह कर दून, एक बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीर बाबू ही से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने जरा तजब्जुब से कहा, मैं इस मुआ मले में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका, तो अभी न करूँ, तुम्हारी यही सलाह है। जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाए, मैंने तो दोनों बातें रस कर दी तो कर डालूं। मुझे ये डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तो आप उसकी फिक्र न करें। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये समझ लो, तो मैं कब इनकार करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमजोरी होती है जो उन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और शादी का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन असहाब में से थे जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल तजर्बे से ज्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में था, 10-12 हजार रुपए से ज्यादा कीमती थी। खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात नहीं थी। देखते देखते एक खस्ता हाल नौजवान जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं बजाज उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपये आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन इतना कमीना न था। फिर उसके साथ क्या दगा करे जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया हो। मगर जिस दिन उसने 5000 के जेवरात खरीदे, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं, और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपये के जेवरात बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजों को देखकर आंखें ठंडी हो जाए, सच कहता हूँ, बाकी चीजों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा हासिदाना लहजे में बोली, ओह, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने, यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, यही लोग मजे उड़ाते हैं, न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते और चैन करते हैं, इसीलिए कहता हूँ ईश्वर बड़ा गैर मुनसिफ है। चंपा, अपना अपना मुकद्दर है, ईश्वर का क्या कसूर है? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मजे उड़ाते। यहाँ तो रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है, गहने कपड़े कौन रोए? कोई धान की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठाकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती।
ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा, ये मुसीबत के दिन हमेशा न रहेंगे, जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्करा कर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती, गुजर होती जाए यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और हया से सर झुका लिया। चंपा उसे इतना काहिल उल वजूद समझती है। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर उसकी आंखों में बसे हुए थे, इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, जेवरों की बात सुनकर दिल जलता है। ऐसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। जेवरों से क्या खूबसूरती मालूम होती है, मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं, जो जेवर पहनकर भी भद्दी मालूम होती है। ठाकुर साहब मतलब के यार मालूम होते हैं, ये ना हवा की कहते, तुम इसमें से कोई चंपा के लिए लेते जाओ। तुम कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपन की क्या बात है, कोई फराक दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी न करता। मैंने सखी कोई नहीं देखा जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं, मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ, अगर 100-200 की चीज दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी। मगर अहल ए सरवत का दिल दौलत के बोझ से दबकर सिकुड़ जाता है, इसमें सखावत और फराक हौसलगी के लिए जगह ही नहीं रहती। यकायक प्रकाश चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। आह, चंपा के नाजुक जिस्म पर एक गहना भी नहीं, फिर भी वो कितनी शाकिर है। उसे चंपा पर रहम आ गया, यही तो खाने पीने की ऊ मर है, और इस ऊ मर में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पांव घर से बाहर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत उस छत से मिली हुई थी, बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर कमरे में चलूं, अगर वह जाग गए तो जोर से हंस दूंगा और कहूंगा, क्या चरका दिया। कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं ये क्या कर रहा है। किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा, अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो 12 है, सब नौकरों पर शुबह करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की हरकत है, उनके सिवा और कौन ले जा सकता है, मैं नलवा निकल जाऊंगा, शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक जेवर चंपा को दूंगा जिससे कोई शक न गुजरे। फिर भी वो जब जीने से उतरने लगा तो उसका दिल धड़क रहा था। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था वो गया, अब चलो आराम से बैठो, आज रुपये की कोई तजवीज करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों हमें तुम्हारा। प्रकाश, आप न कहें, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई, मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है, चोर ने रास्ता देख लिया है, मकान है 2-4 दिन में फिर आग घुसे, घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती, उधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घूम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी, इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए, मैं तो समझता हूँ चोरी सारी मेरे सर है। ठकुरा इन दर्री, तुम चले जाओगे भैया तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा, मेरी गफलत से चोरी हो गई, इसका मुझे खमियाजा उठाना पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर की औरत ने कहा, बड़ा लायक आदमी है, चोर इधर से आया यही बात उसे खा गई, कहीं ये चोर को पकड़ पाए तो कच्चा ही खाए। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए, प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था, आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचा, देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिलता है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी कल आपके हाँ की दावत बड़ी मुबारक थी, जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया, एक चीज भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो।
प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए। और जूकातून डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा, तक जजुब की बात है, मेरी अकल तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों? वीर की माँ तो कहती है कोई गैबी मुकजिजा है। आज से मुझे भी मुकजिजात पर यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन न आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे हाथ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ाया ऐसा किसी से? ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो दौड़कर उनके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके हाँ मेरी दावत है, मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो, मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।